मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शाह का व्यापारीकरण बंद करो बंद करो बंद करो। नीट पर बवाल थमा भी नहीं था कि नेट यूजीसी पेपर में गड़बड़ी की शिकायत के बाद उसे रद्द कर दिया गया। बता दें कि नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजीसी परीक्षा 2024 को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। प्रधान ने कहा है कि नीट परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, विद्यार्थियों का हित हमारी प्राथमिकता है, इससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। नीट एग्जाम मामले में हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है जो पूरे केस की जांच करेगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। छात्र देश का भविष्य है, हम देश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। पेपर लीक इंस्टीट्यूशनल फेल्योर रहा है, हम ये मानते हैं। मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। दुखद घटना हुई है, चुनौतीपूर्ण समय है। मैं खुद कई छात्रों से मिला हूँ, उनकी नाराजगी सही भी है। जो भी कानून के हिसाब से सही होगा वो हम करेंगे। नीट में पहले विसंगति ध्यान में आया ग्रेस मार्क को लेके, कुछ एक प्रोसीजरियल मिसमैनेजमेंट के कारण, पद्धति को गलत तरीके से अपनाने के कारण एक भ्रम पैदा हुआ, जिसमें कुछ विद्यार्थियों का एक नाराजगी हुई। वो लोग भी कोर्ट को गए, फिर एनटीए ने कोर्ट के सामने एक नया पद्धति रखा कि ये सबका जो 1563 बच्चों के मन में असामंजस्य है, जिनको ग्रेस मिला था इसलिए बड़े विद्यार्थियों के बारे में, बड़े वर्गों के मन में एक असामंजस्य है, उसको प्री एग्जामिनेशन कर दिया जाए। कोर्ट ने उसको स्वीकृति दिया कि कोर्ट के आदेश दिया कि उसको कर दो री एग्जामिनेशन, जिसमें मेजर इश्यू नीट की समाधान हो गया था। फिर एक स्पेसिफिक एक जगह के पटना में कुछ गड़बड़ियों की ध्यान आई, पटना पुलिस की सही समय की इंटरवेंशन के कारण उसकी सारे गिरोह को पकड़ा गया। अभी और अनुसंधान चल रहा है, कुछ विषय जो जो कागज भारत सरकार को मांगा गया था सब हमने एनटीए ने उपलब्ध कराया। बिहार सरकार के अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं उसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए। वहां भी गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। विपक्ष खासकर कांग्रेस एनटीए को बैन करने की मांग कर रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नीट के छात्रों से भी मिले थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि वो और उनकी पार्टी इसके लिए आवाज उठाएंगे और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए हाई लेवल कमेटी से रिकमेंडेशन लिया जाएगा। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, छात्र देश के भविष्य है। प्रधान ने कहा कि हम राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि वो इस मामले में राजनीति ना करें, सरकार किसी भी सुधार के लिए तैयार है। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।